मित्रों, आज आपके मन पसंदीदा चैनल पर लेकर उपस्थित हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थियों को उनके भविष्य निर्धारण में बहुत ही मददगार सिद्ध होगी। ये जानकारी दी जा रही है करियर काउंसलर श्री रविंद्र शौरण द्वारा, जो कि आयाम करियर एकेडमी गोपालपुरा बाईपास रोड जयपुर से जुड़े हुए हैं। तो आइए जानकारी का लाभ उठाइए। जैसे आर्ट्स का बच्चा है, उसके पास अभी सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। अगर आप बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं तो भी आपको पेपर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का देना है। अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि डीयू के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डीयू का नियम यह है कि अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स में बीए करना चाहता है तो उसके पास 12वीं में मैथ्स होना जरूरी है, और जहां तक मेरा अनुमान है आर्ट्स के बच्चे उनके पास मैथ्स नहीं है तो वो इकोनॉमिक्स नहीं जा पाएंगे। सब्जेक्ट चेंज करते हैं, इकोनॉमिक्स के पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो भी आपको पेपर किसका देना है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का ही देना है। डीयू के लिए ये नियम है कि 12वीं के पेपर जो सब्जेक्ट है वो ही आपके आगे रहेंगे। इसमें पेपर में सब्जेक्ट आप पढ़ाई में चेंज कर सकते हो, लेकिन जो प्रवेश परीक्षा होगी, एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें सब्जेक्ट है वो रहेंगे। और डीयू के अलावा जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब का नियम यह है कि जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में आगे पढ़ना चाहता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ग्रुप का बच्चा सोचता है कि मेरे को बीए करना है, तो उसके सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? आर्ट्स के हो जाएंगे। पेपर किस में लगेगा? आर्ट्स में लगेगा। अगर कोई सोचता है, बच्चा सोचता है आर्ट्स का है, साइंस का है, वो सोचता है कि मेरे को बीए बीएड या बीएससी बीएड करना है, तो आपका डोमेन का जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? बीएड हो जाएगा। और बीएड का जो डोमेन सब्जेक्ट है वो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, अगर कोई बच्चा सोचता है मेरे को फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड करना है, बीपीएड अगर आप करना चाहते हैं तो आपका डोमेन का जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? फिजिकल एजुकेशन हो जाएगा। समझ में आया कोई बात नहीं आई? दोबारा सुन लीजिए, डीयू के लिए जो सब्जेक्ट है 12वीं में पढ़ रहे हो उसी का पेपर देना है, क्या सब्जेक्ट चेंज करें सेम है। और अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप उसी सब्जेक्ट का पेपर देंगे जिस सब्जेक्ट में आगे आप पढ़ना है। इज इट क्लियर? अब है इसमें सब्जेक्ट होंगे कितने डोमेन में, टोटल कितने बताए मैंने? 27। मैक्सिमम बच्चा कितने ले सकता है? लैंग्वेज में मैक्सिमम कितने ले सकता है? दो। डोमेन सब्जेक्ट में बेटा अगर आपने लैंग्वेज ली है दो, और एक आपका तीसरे पार्ट का भी पेपर होता है, तो डोमेन सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट ले सकते हैं। कितने ले सकते हैं? 7। 7 में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो ग्रुप का बच्चा है तो उसके 3 तो ये हो गए, प्लस एक उसके पास हो सकता है अभी एडिशनल में कंप्यूटर साइंस या आईटी हो, तो वो चेंज, एक एक्स्ट्रा हो गया एडिशनल में। 8 वाले बच्चों के पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, एक आपके पास हो सकता है या आईटी हो या फिर फिजिकल एजुकेशन, तो आपका ऐड हो गया। अब कोई बच्चा ये सोचता है कि मेरे को बीएड करना है, बीएड में भी एडमिशन हो जाए अच्छे कैंपस में, मैं जाऊं, तो उसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट हो गया। अब अगर कोई बच्चा सोचता है साइंस का बच्चा कि मेरे को बीएससी इकोनॉमिक्स या बीएससी स्टैटिक्स करना है, तो आपके पास इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स वो सब्जेक्ट बढ़ गया। ठीक है, तो मैक्सिमम आप कितने ले सकते हो? 7। 8 वाले बच्चे उतने ले सकते हैं। जैसे 8 वाले बच्चों के लिए मैं बताऊं, कोई बच्चा साइकोलॉजी में जाना चाहता है उसके लिए साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट हो गया। अब जो ये डोमेन सब्जेक्ट जो होगा उसका जो पेपर होता है बेटा, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसमें प्लस 2 12th की एनसीईआरटी की जो बुक आप पढ़ रहे हैं, 12th की एनसीईआरटी केवल उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का एक पेपर होता है। मतलब जो बच्चा अगर इन्हीं सब्जेक्ट में कंटिन्यू करना चाहता है तब तो आपने जो पिछले एक साल में पढ़ा है उसी का पेपर होगा, केवल ऑब्जेक्टिव की आपको प्रैक्टिस करनी है। और आप सब्जेक्ट चेंज करते हैं, मतलब आप टीचिंग एप्टीट्यूड लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, कंप्यूटर साइंस लेते हैं, साइकोलॉजी लेते हैं या इकोनॉमिक्स लेते हैं, स्टेट्स लेते हैं, तो आपको 12वीं की एनसीईआरटी के उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इज इट क्लियर? अब इसका जो एग्जाम होगा उसमें बेटा सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट को दो तरीके से कैटेगराइज किया है। एक तो सब्जेक्ट आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आपका बायोलॉजी है, ये सब्जेक्ट अगर है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आपका टोटल जो है 50 क्वेश्चन का पेपर होगा, जिसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 40। और कुछ सब्जेक्ट हैं आपके मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, जैसे इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है,
तो उनके टोटल आपके टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 45 और उसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं 35। इज इट क्लियर। नेक्स्ट जो राउंड है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो थर्ड पार्ट और इसको बोलते हैं जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट जो है उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं टोटल, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, मेंटेनेबिलिटी के, 20 क्वेश्चन जनरल मैथ्स के। जो 10th तक आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है आठ छोड़ो, उसमें दो चैप्टर आते हैं बड़े गंभीर, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक अलजेब्रा, वो दोनों नहीं पूछे जाए, इसके अलावा सब पूछे जाए, ठीक है। और 20 क्वेश्चन आपके जो है वो जीके के होते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन का एक पेपर होता है और जिसमें से मैक्सिमम आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं 50, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल टेस्ट। तो टोटल आपका पहला पार्ट था उसमें जनरल चीजें लैंग्वेज की पूछी जाती हैं, दूसरा पार्ट था उसमें एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीसरा आपका जनरल टेस्ट है, इसमें तीनों पार्ट जनरल मैथ्स रीजनिंग और जीके पूछा जाता है। ओवरऑल पूरा का पूरा जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज आएंगे और पूरा का पूरा पेपर ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है।